साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक तो इन सब लोगों ने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत आसान है। सबसे पहले हम ले लेंगे यूनिट सर्कल। क्या लिया? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल यू नो रेडियस वन, उस रेडियस इज वन, ओके। और सेंटर कहां पे लिया? ओरिजिन पे। यहां से याद है कितना है? वन। ये कौन सा पॉइंट है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? इसके कोऑर्डिनेट्स। ये कौन सा पॉइंट है? सी माइनस वन का जीरो। यू नो वाई माइनस वन? रेडियस तो वन है लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव है। एंड इट्स डी जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। कितना एक्स किया? एंगल एक्स बना, एक्यूट एंगल। इट मे बी 30, 45, 60, 21, 22, ठीक है। लेकिन 21 और 22 हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं होते, हम ज्यादा बात करते 30, 45, 60। तो यहां से ज्वाइन किया, ये पॉइंट भी है, क्लियर? यस सर। ये रेडियस है वन, ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट्स वन। पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक। ये पॉइंट एम है, यहां पे 90 डिग्री है, एज यू नो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। पी के कोऑर्डिनेट से ए कामा बी लेट किया हमने। जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नून कोऑर्डिनेट्स, हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, ये डिपेंड करेगा एंगल कितना होगा, ठीक। तो हमने लेट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? ए कामा बी। अब जब पी के कोऑर्डिनेट्स ए कामा बी है तो ये लेंथ कितनी है? ए, है ना, तभी जाके एक्स का वैल्यू ये है। ये लेंथ कितनी है यहां से? ओ एम इज ए, दिस इज ए, एंड व्हाट इज दिस पी एम? इट्स बी, पढ़ा है ऑलरेडी, पढ़ा है, ठीक। इसी को फिर से पढ़ रहे इन ट्राइंगल पी ओ एम राइट एंगल एट एम, इन ट्राइंगल पी ओ एम राइट एंगल एट एम, कॉस ले लेंगे, कॉस एक्स, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स ए बाय वन, इट्स ए, नहीं समझे? यस सर, इट्स ए। एंड साइन इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स बी बाय वन, दैट्स बी, ये हो गया ठीक। ये हमने पढ़ा है, यस सर, ठीक है। अब देखो क्या, यही पी हम इस क्वाड्रेंट में लेंगे, इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम रोटेट, जितना हमने रोटेट यहां से किया ना, से फॉर एग्जांपल हमने 45 रोटेशन की, तो ये ही 45 आप यहां से रोटेशन करो, ऐसे इतना ही। तो बेसिकली सर्कल सही नहीं बना, तो यही इतनी ही रोटेशन आपने यहां से करनी है। जब आप ज्वाइन करोगे तो यहां पे आएगा पी, ठीक। तो यहां इस पी से आप फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो इसी एम पे, ठीक है, ये पॉइंट एम है। अब मुझे बताओ, आप ध्यान रखना, ध्यान, इट्स 0, 1, 2, 3, इट्स 1, 2, 1, 2। यहां पे कौन सा पॉइंट है? पी। यहां पे चलो पी मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 1, 2, 3 कामा 1, 2, है ना, 1, 2, 3, 2। बिल्कुल इसकी मिरर इमेज आप ले लो, मिरर इमेज, मिरर इमेज पता है ना, सेम डिस्टेंस पे होगी। जैसे हम शीशे, खुद से शीशा देखते ना, कभी जितनी डिस्टेंस पे हम होते हैं कन के और कन्वेक्स को छोड़ के, प्लेन मिरर जब हम देखते हैं ना, प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं ना, या पेन रखेंगे टेबल पे फिर शीशे में देखेंगे, जब मैं दूसरे साइड से देखूंगा मैं बस बराबर सेम डिस्टेंस पे, बात है ना। तो पी की मिरर इमेज यहां होगी, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ, फिर से 3, 2 है लेकिन माइनस टू है प्लस फोर, वो मुझे बताओ। 3 पॉजिटिव है और माइनस टू है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव है, P की मिरर इमेज है, सेम एंगल है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए P के इस बार कोऑर्डिनेट्स होंगे A का मान माइनस बी, बस इतना फर्क। यू गॉट इट? यस सर। आगे चलते हैं। लेंथ के हिसाब से तो ये B ही है और ये A ही है, लेकिन अभी ये इस डायरेक्शन में तो माइनस बी आएगा और ये A आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा मुझे बताओ कॉस का वैल्यू क्या है? A, A. तो पहला जो होता है वो किसका होता है? cos, cos, और साइन का वैल्यू ये पढ़ा है हमने, ये किसका वैल्यू है? cos, बट ये नेगेटिव एंगल है, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स नहीं, ये प्लस एक्स है, ये क्या है? क्यों माइनस एक्स है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वरना एंगल पॉजिटिव ही होता है। यू गॉट इट? ये किसका वैल्यू है? cos, किस एंगल पे? minus तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PO, P dash, इसको P dash नाम रखो, P dash OM, right angle at M. This A is the value of cos at minus X. So cos of, नहीं समझे? Yes sir. Is A. And this B, minus B, is the value of sin at minus X. You got it? Yes sir. Clear? Yes sir. cos of minus x किसके बराबर है? A. लेकिन A किसके बराबर है? cos x. Which gives us cos of minus x is equal cos x. ये एक important identity बनो. अभी वेट. अच्छा sin of minus x is equal to minus b. B किसके बराबर है? Sin x. So it's minus sin. तो cos of minus x is equal to a, उससे देखा yes, a किसके बराबर है? cos of minus x is cos x. क्यों पढ़ते हो इसको बाद में देखेंगे, क्यों पढ़ते हो? sin of minus x is minus b, ठीक है, वहां से देखा हमने सेकंड वैल्यू माइनस b है यहाँ पे, तो ये sin का वैल्यू होता है एट दैट वेरी एंगल माइनस x. सो sin of minus x is minus b, sin of minus x is minus sin, b is sin x. ठीक, यहां से हमने दो चीजें लिखी, कौन कौन? एक और दो. मैं आपको दोनों चीजें अभी बताऊंगा, याद रखो इन दो. तो क्या क्या हमने देखा? एक हमने देखा cos of minus x is cos x, और दूसरा हमने देखा sin of minus x is minus sin x. क्या देखा? cos of माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस. अब देखो क्यों पढ़ा और किस लिए पढ़ा. अगर आपके पास, हमने आपको बोला एंगल्स होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव, दोनों होते हैं, आपने पॉजिटिव तो पढ़ लिया, लेकिन अगर कभी कभार आपके पास ऐसा हुआ साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, या आप कभी लिखते हो 30 को कैसे रेडियंस में? माइनस 30, ठीक. साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, या साइन ऑफ पाई बाई 6, दोनों 30 है. ये रेडियन मेजर है, ये डिग्री मेजर है. साइन 30 किसके बराबर है? 1/2. अगर मैं आपसे बोलूं साइन ऑफ माइनस 30 किसके बराबर है, तो आप क्या बोलोगे? माइनस 30. मान लिया. अच्छा कॉस ऑफ 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 है ना? Yes, आप मुझे बोलो cos of माइनस 30 डिग्री किसके बराबर है? अंडर रूट 3/2. कि माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है? Yes, क्यों है इसने बोला, तो अभी आपको शायद नहीं पता क्यों है, तो वही हम आपको यहां से बताने जा रहे हैं. देखो अगर cos of नेगेटिव एंगल है, ये डिराइव किया हमने, ऐसे नहीं बता रहे हवा में, ये अभी डिराइव किया, यही है ना? Yes, यही डिराइव किया ना, कि कुछ और डिराइव किया? cos of नेगेटिव एंगल अगर आपने कभी निकालना हो, पॉजिटिव तो पढ़ा है, लेकिन जब आपने cos of नेगेटिव एंगल निकालना होगा ना, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है? उस टाइम पे आपने इस नेगेटिव एंगल को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है? लेकिन पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन है,
देखो कॉस के टाइम पे अगर नेगेटिव एंगल है वो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल हो या कॉस ऑफ पॉजिटिव एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नहीं समझे? समझ आ रही? यहां पे है ना लिख के कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो मतलब मुझे ये दिख रहा है कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं, माइनस हो या प्लस हो सेम होते हैं, तो कॉस ऑफ माइनस 30 मत लिखो, कॉस 30 ही लिखो, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, ठीक है? अगर आपके पास कॉस ऑफ माइनस 60 है तो आपने याद करना है कॉस 60 को, किसको? कॉस 60, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस ही बन जाता है और वो है बराबर 1/2। लेकिन अगर साइन ऑफ माइनस एक्स है, मैंने क्या कहा पहले, इस नेगेटिव एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पॉजिटिव उसके वैल्यू पता है, नेगेटिव के नहीं, अब नेगेटिव का वैल्यू पता चलेगा। साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, नेगेटिव को कन्वर्ट करो पॉजिटिव एंगल में, किसमें? पॉजिटिव एंगल, मगर कंडीशन ये है कि माइनस एक बाहर भी रखो, कहां पे? बाहर, ठीक है? वैल्यू तो एंगल तो पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन ये जो इसके अंदर माइनस है इसको पहले बाहर रखो, मतलब साइन ऑफ माइनस 30, साइन ऑफ माइनस 30, इसमें माइनस जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसमें माइनस क्या है बाहर आ जाता है, अब जो बचा वो पॉजिटिव एंगल है जिसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है, ठीक है? सो माइनस तो बाहर है, साइन 30 किसके बराबर है? 1/2। तो हमने ये डिसाइड किया कि साइन ऑफ माइनस 30 इज माइनस 1/2। ये माइनस इस वजह से नहीं है कि अंदर माइनस है, नहीं, ठीक, ये फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई कि ये माइनस बाहर आ जाता है, इन तो जब नेगेटिव एंगल आज तो वैल्यू क्या नेगेटिव आसन ना, नहीं समझे? एंगल नेगेटिव होने से वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, फिर तो यहां भी था कॉस ऑफ माइनस 30, तो इसकी वजह से ये माइनस नहीं बनेगा, तो आइडेंटिटी है कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल इज कॉस एक्स, मतलब कॉस ऑफ नेगेटिव और कॉस ऑफ पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब साइन के साथ नेगेटिव एंगल होगा वो माइनस बाहर आके साइन पॉजिटिव बन जाएगा, इसका एंगल तब पॉजिटिव बनेगा जब माइनस को आप पहले बाहर निकालोगे, और ये हमने अभी जाके डिराइव किया, ये किस किस के बारे में हमने बताया, कॉस कॉस, अभी कितने बचे और चार, उनके बारे में बताया, ध्यान ये याद रखा, कॉस में क्या होता है साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, और साइन में क्या है माइनस बाहर। अब चलते हैं इसके रेसिप्रोकल सेक, अब ध्यान रखो बस, सेक ऑफ माइनस एक्स, इसको यहां से डिराइव नहीं करेंगे, इसको यही पे सिंपलीफाई करेंगे, देखो सेक ऑफ माइनस एक्स, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, कॉस का 1/cos, एंगल तो सेम लिखना ही होता है, लिखा समझ आ गया, 1/, अच्छा कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, कॉस एक्स, ये तो एब्सॉर्ब हो जाता है, अच्छा 1/cos क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sec, सो इट इज sec, अब जब हम देख रहे हैं ना कि sec ऑफ माइनस x जो है वो तो sec x के बराबर ही है, तो क्या पढ़ा आपने यहां से, कि sec और cos में नेगेटिव्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिलहाल दो आ गए, तीसरा ये इसका रेसिप्रोकल चेक करते हैं, इट इज cosec x, बट cosec ऑफ माइनस x, cosec ऑफ माइनस एक्स, इट इज 1/sin ऑफ माइनस एक्स, ठीक है बेटा समझ आ रहा है, ये आइडेंटिटीज बन रही है जो आपके काम आएंगे, अच्छा आगे चलते हैं, 1/sin ऑफ माइनस एक्स में क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, अच्छा cosec ऑफ माइनस एक्स इज 1/sin ऑफ माइनस एक्स विच इज 1/-, टाइम्स sin x, बिकॉज ऊपर पढ़ा हमने, तो माइनस को छोड़ो रखो साइड में, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा 1/sin, माइनस साइड में रखो 1/sin, ये किसका रेसिप्रोकल, तो क्या हुआ इसमें, इसमें भी नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, कितने आए cos एंड sec एब्जॉर्ब हो जाते हैं, साइन और कोसेक एब्सॉर्ब नहीं होते, बाहर आ जाते वाली, इसके बाद पढ़ेंगे टेन, मतलब जो टेन के साथ होगा वही कॉट के साथ होगा, क्योंकि जो कॉस के साथ हुआ वो किसके साथ हुआ, साइन और कोसेक सेम, अब टेन देखिए, टेन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स,
डिवाइडेड बाय कॉस माइनस, इतना ठीक है ना? यस सर। साइन में क्या होता है? माइनस साइन बाहर, और कॉस में एब्सॉर्ब। तो बचा क्या? माइनस बाहर। साइन बाय कॉस किसके बराबर है? टेन ऑफ माइनस। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे नेगेटिव एंगल हो या पॉजिटिव एंगल हो, हमारे पास हर एक है। सो सिमिलरली व्हेन यू सेट द कॉट ऑफ माइनस एक्स, क्या है? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, बोलो क्या क्या हुआ? कॉस के साथ सेक, साइन कॉस टेन कॉट, चारों में माइनस बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपने निकाला होगा टेन ऑफ माइनस 30, आप क्या करोगे? टेन ऑफ माइनस 30 डिग्री अगर आपके पास होगा तो माइनस बाहर लिखो, फिर लिखो टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3, तो टोटल वैल्यू आएगा माइनस 1 बाई रूट 3। क्लियर? यस सर। तो आप इंपॉर्टेंट चीज उससे बोल रही लिखना है, अगर किसी को लिखना भी होगा तो इसमें वीडियो है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? पहले इसको नोट करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स इज सेक एक्स, फिर टेन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन, लिखते हैं पहले साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, cosec of minus x is minus cosec x, then tan of minus x is minus tan x, then cot of minus x is minus cot x. Remember these identities. Okay? Ek shagobar? Yes sir. Chubi kya shasbi? Ashnaur paapke sign of trigonometric? Functions. Ek hamne ye kaha. Ab meri taraf aap dhyan rakho. Theek hai? Yes sir. रोज याद है, आराम से याद है, बस आप ध्यान चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर इसी मिरर इमेज को हम यहां लेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट पी, पी के क्वाड्रेंट्स इस बार क्या होंगे? माइनस ए सेकंड है ना? यस सर। कौन सा है? माइनस ए कॉमा बी, बी तो पॉजिटिव है। इस बार ये P है, ये M है, ये A है, लेकिन ये पॉइंट माइनस A है। yes, sir. ये B ही है पॉजिटिव, और एंगल कहां से लेंगे? यहां से लेकर यहां तक एंगल, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, ये बन रही है, लेकिन एंगल कौन सा है? ये पहले मैं एक साइन बता रहा हूं, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में आपको कुछ और समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब भी एंगल बनेगा, मैं कुछ और ध्यान क्या हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से आपको बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। जब कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बनेगा, चाहे आप यहां एक्यूट एंगल तक रोटेशन करो, चाहे आप कंप्लीट प्लस एक्यूट एंगल करो, चाहे आप दो बार रोटेट करो और फिर आगे जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बनेगा, ठीक है, कितनी बार भी रोटेशन करो, एंगल कहां पे बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के, कहां पे बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? a कॉमा बी, क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं? यस सर। ठीक है, a क्या है? पॉजिटिव। b क्या है? पॉजिटिव। a किसका वैल्यू है? b किसका वैल्यू है? देखो वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन कॉस का जब भी वैल्यू होगा ना वो पॉजिटिव होगा, मेरी तरफ ध्यान रखो बस। कॉस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव। साइन का वैल्यू क्या होगा? नहीं समझ पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना? क्या हुआ? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा बी, दोनों पॉजिटिव है कि कोई नेगेटिव इनमें? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होते हैं दोनों। मतलब अगर मैं करूं आज कॉस ऑफ 73 नमत कोता 390 डिग्री,
मुझे सिर्फ इतना बताओ इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जो वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस मुझे यही देखना है। देखो कहां पे हम रुक रहे हैं, देखो 360 प्लस 30 मैं रुका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन वैल्यू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सर? पहली बात समझ में आई? अच्छा अब देखो, अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कॉस पॉजिटिव है, कॉस एक्स इज पॉजिटिव एंड साइन एक्स इज पॉजिटिव, अब चीजों को समझ रहे नहीं समझ रहे सर? सर कॉस एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, खबर कर चुके हैं क्या शुड रेस्पॉन्स? कॉस एक्स इज पॉजिटिव बिकॉज दिस ए इज पॉजिटिव, इफ एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वार्टर, इफ एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वार्टर, जब हम पहुंचे कहां पे? चाहे कितनी बार भी रोटेट करके पहुंचे लेकिन कहां पे? फर्स्ट क्वार्टर में, तो कॉस का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। कहां पे? व्हेन एक्स लाइज इन, हम एक्यूट नहीं बोलते, हम बोलते हैं चार और जो बचे। देखो कॉस का वैल्यू इधर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इरेज करो अभी, ठीक है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, किस क्वाड्रेंट की? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल कितना भी बड़ा हो, बस आपको ये सोचना है कि हम रुके कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। साइन का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब चेक करते हैं टेन का वैल्यू क्या होगा। टेन किसके बराबर है? साइन अपान कॉस, दोनों क्या है? पॉजिटिव। जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से तो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कभी टेन ऑफ 780, बोलो मुझे पॉजिटिव होगा कि नहीं? वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन वैल्यू मुझे बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप कैलकुलेट करो 780 कहां पे आ रहा है? 360, फिर से 360 कितना हुआ? 720। अब कितने बचे? 60 और पेंडिंग है, तो हम तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो टेन भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक किसके बराबर है? 1 बाय cos, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ आया? साइन का क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल क्या है? बस वो क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल क्या है? cot, 1 बाय cot, टेन इज 1 बाय cot, 1 इज पॉजिटिव, cot इज पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, सो ओवरऑल वैल्यू इज पॉजिटिव। अब आपने क्या समझा यहां से? फर्स्ट क्वार्टर व्हेन एक्स लाइज इन, व्हेन एक्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यू गॉट इट? यस सर। वेयर? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला समझ आया? यस सर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फिर इसको एक टेबल बनाएंगे हम जो आपको याद आए, फिर एक ट्रिक देंगे जहां से आपको याद आए। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब जब हम रुकेंगे, अच्छा P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक सर, इतना समझ आया? देखो मैं चाहे कितनी भी रोटेशन करके रुकूं, अगर मैं यहां पे ठहरा तो साइन क्या होगी, वैल्यू क्या होगा मैं नहीं बता रहा हूं, बस मैं उस वैल्यू की साइन बता रहा हूं, क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मिसाल के तौर पर 7/8 वैल्यू होगा, बस इतना बोलो मुझे ये 7/8 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये किसका वैल्यू है? कॉस। तो मतलब कॉस क्या है? नेगेटिव। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की। यस सर। व्हेन एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स मतलब को लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट मींस कि कितनी भी रोटेशन करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यस सर। कॉस का वैल्यू क्या है? माइनस। साइन का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, टेन किसके बराबर है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, साइन इज पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव वैल्यू। जब आप किसी पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करोगे नेगेटिव वैल्यू से तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। यस सर। माइनस।
cos का रेसिप्रोकल sec, sec is 1 by cos, 1 is positive, cos का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव है, 1 अपॉन नेगेटिव वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। फिर साइन का रेसिप्रोकल तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आप देख रहे हो यहां से, समझ आ रहा है? पहले में क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड इट्स साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, याद रखना, ठीक है। अभी टेबल भी बनाना है, मैंने लिख के नहीं रखा यहाँ पे कहीं पे, आप जहन में रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? हाफ पॉजिटिव। सेकंड में क्या है? साइन। ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? जब एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, यहां दोनों वैल्यूज क्या होंगे? नेगेटिव है ना, माइनस और माइनस। अब बोलो कॉस का क्या है? नेगेटिव है। साइन का क्या है? नेगेटिव है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल सेक क्या होगा? नेगेटिव। अब आपको पता ना कैसे करना है? और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक क्या होगा? बिकॉज कोसेक इज 1 अपॉन साइन, साइन नेगेटिव तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। अब करते हैं बात, tan is sin upon cos, माइनस अपॉन माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या है? सेकंड में क्या है? थर्ड में क्या है? tan and its reciprocal are positive, rest all are negative, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, a कॉमा माइनस बी, ए कमा माइनस बी, तो कॉस का वैल्यू ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ कॉस इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, टेन इज नेगेटिव, टेन इज साइन अपॉन कॉस नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो टोटल नेगेटिव है ना, साइन अपॉन कॉस, साइन इज नेगेटिव कॉस इज पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव। देन इट इज कोसेक इज सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो sec is 1 by cos, that's positive, sin is 1, cosec is 1 by sin, that's negative. तो अब मुझे बोलो इसमें पॉजिटिव कौन कौन है? cos है, चलिए लिखते हैं, sec is 1 by cos, 1 is positive divided by positive, overall positive. तो अगर cos positive है, sec भी positive है, sin negative है तो cosec negative, tan negative है तो cot negative, ठीक है? yes sir. अब मुझे बोला एक एक करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, थर्ड इज टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, एंड द फोर्थ वन, फोर्थ क्वाड्रेंट इज कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज सेक इज पॉजिटिव, ओके यस सर। अब देखो याद कैसे रखेंगे, अब जल्दी जल्दी से ऐसे टेबल एक बनाते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, जल्दी से बनाते हैं, साइन cos, tan, then its reciprocal cosec, then its reciprocal sec, then cot. हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन एक्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक are positive, rest are negative, ठीक है? Yes sir. अब याद कैसे रखें? अब याद, ये तो टेबल है आपके सामने, yes sir, ठीक है? अब आप फोटोग्राफ ले लोगे, उसकी जरूरत नहीं है, बुक पे लिख के सारा, yes sir, ठीक? और ये चीजें याद भी रह जाती हैं, yes sir,
अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको याद ऐसे रखेंगे, इट्स एड शुगर टू कॉफी, ठीक है? यस सर। तो पहले लेटर इस्तेमाल करो, ए मींस और एस एच आई वांट इन नो सर एस एच आर का रेशियो यू वांट नो सर ए मींस ऑल आर पॉजिटिव, एस साइन एस स्टैंड्स फॉर साइन साइन रिसिप्रोकल एंड इट्स रिसिप्रोकल कोसेक कोसेक आर पॉजिटिव, टी मींस टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, हम पॉजिटिव की बात करें बाकी तो नेगेटिव खुद में खुद होगा, सी मींस कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव, देखो सारे आ गए कोई भी नहीं बचा, पहले में सारे पॉजिटिव है, क्वेश्चन इधर आए मगर आए काम अमरूद, ये अगर साइन के क्वेश्चन का इज द अबाउट टेन तो क्वार्टर में आई तमाइया तो स्टेन और क्वार्ट और कॉस एंड सेक, ठीक है? सबकी बारी आई अलग अलग, पहले में सारे पॉजिटिव, सेकंड में ये दो पॉजिटिव, थर्ड में ये दो पॉजिटिव और फोर्थ में ये दो पॉजिटिव, जितने सारे बचे वो सारे नेगेटिव, ठीक? इतना समझ आया? ये हमने पढ़ा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब मुझे आपको कुछ एडिशनल भी बताना है और उसके बाद हमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स डोमेन एंड रेंज, यू गॉट इट? यस सर। टाइम 5 मिनट ठीक है।